नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? वैसे तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो मेरा नाम है आकाश, प्रॉपर्टीज इन पुणे के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लेके आया हूँ हिंजेवाड़ी फेज 1 मान रोड पे। मेरे पीछे आप ये कलर कॉम्बिनेशन के अपार्टमेंट्स देख के समझ ही गए होंगे मैं कौन से प्रोजेक्ट पे आया हूँ। जी हाँ, ये है विलास जावड़ेकर का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जिसका नाम है यशविन सुखनिवास। दोस्तों, यूजुअली आपने देखा होगा कि हम नए प्रोजेक्ट के ही वीडियोस करते हैं, लेकिन यहाँ के जो फ्लैट के सेलर है उन्होंने हमें अप्रोच किया हमारा यूट्यूब चैनल देख के ही और बोला कि आप अगर हमारी हेल्प कर सकते हो मेरा फ्लैट सेल करने के लिए। तो हमने सोचा कि विलास जावड़ेकर का प्रोजेक्ट है, विलास जावड़ेकर काफ़ी रेप्यूटेड बिल्डर है और उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो हमने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाया जाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स भी ऐसी काफ़ी दिनों से मेरे पास आ रही थी कि रेडी पोजिशन में फ्लैट्स कहीं भी नहीं मिल रहे हैं हिंजेवाड़ी में। दोस्तों, फ्लैट पे चलने से पहले मैं आपको एक बार लोकेशन समझा देता हूँ, यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो देखा जाए हिंजेवाड़ी एक आईटी हब है और ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्ड माइन की तरह है। दोस्तों, हिंजेवाड़ी हमेशा से एक हाई डिमांड एरिया रहा है और अगर पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पुणे का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला जो एरिया है वो हिंजेवाड़ी ही है। तो इस लोकेशन का ये वीडियो आप पहले देख लीजिए। हिंजेवाड़ी भारत का एकमात्र आईटी हब जो कि 2400 एकड़ में बना हुआ है और जो पिछले 10 सालों में काफ़ी तेजी से बढ़ा है। जहाँ पे 2009 में सिर्फ 100 कंपनीज थी, आज यहाँ पे 350 से भी ज़्यादा कंपनीज सक्सेसफुली अपना व्यापार चला रही है। एक ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद हिंजेवाड़ी आज के डेट में एक हाईटेक रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल जोन बन चुका है। यहाँ के मॉडर्न और डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रिंग रोड और मेट्रो रेल लाइन की वजह से ये एरिया और भी सुविधाजनक बन जाएगा। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है इनकी एंट्रेंस लॉबी, इसको आप ड्रॉप ऑफ एरिया भी बोल सकते हो और आप देख सकते हो सिक्योरिटी लोकेटेड है और यहाँ से लिफ्ट एरिया है। तो आइए लिफ्ट एरिया की तरफ चलते हैं। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स है और 2 लिफ्ट्स है। तो जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर आते हैं, ये आपका लॉबी स्पेस है और 2 लिफ्ट आप देख सकते हो, इस लिफ्ट के बगल में ही ये है आपका फ्लैट। फ्लैट के अंदर जाने से पहले आप ये देख लीजिए, ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी डोर बनाया हुआ है, उसके बैक साइड में वीडियो डोर फोन और अंदर उसका स्क्रीन है। एंटर करते ही आपको मिलता है ये 5 फीट का लॉबी स्पेस। ये है 4 फीट बाय 4 फीट का आपको सुरक्षा मिलता है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको काउंटर्स भी मिलते हैं और एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड में आपका है फर्स्ट बेडरूम। दोस्तों, ये एक बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट है, तो एक बेडरूम यहाँ पे है और एक बेडरूम उस कोने में है। यह है आपका चिल्ड्रंस बेडरूम, यहाँ पे आप देख सकते हो फुल्ली फर्निश्ड है, कंसील्ड आपको वार्डरोब मिलता है। ये कंसील्ड वार्डरोब है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेफ्टी ग्रिल के साथ में 3-ट्रैक विंडो मिलता है आपको, इवन मॉस्किटो मेश भी मिलता है आपको। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर आते हैं, यह आपका लिविंग एरिया, यह आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में आपको मिलती है ये बालकनी, बालकनी में भी आपको फुल लेंथ की विंडो वो भी मॉस्किटो मैश के साथ में मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टफन ग्लास और स्टेनलेस स्टील का आपको ये ग्रिल मिलता है। यहाँ पे बालकनी से आप व्यू एक बार देख लीजिए, कितना सुंदर व्यू मिल रहा है आपको। और लिविंग और डाइनिंग आप देख सकते हो एल शेप में है, तो ये है आपका डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप 4 सीटर का डाइनिंग स्पेस यूटिलाइज कर सकते हो। और डाइनिंग के राइट हैंड साइड में आप देखोगे ये आपका वीडियो स्क्रीन है और ये है आपका किचन। किचन में आपको दोनों तरफ से प्लेटफॉर्म मिलते हैं, एक साइड में है आपका सिंक और ऊपर आपको ये पूरा फर्निश्ड आपको मॉड्यूलर किचन मिलता है। नीचे भी आप देख सकते हो पूरी तरह से ये मॉड्यूलर किचन। इसी के साथ साथ आपको ड्राई बालकनी मिलती है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म और सिंक है, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन के लिए अलग से स्पेस दी गई है। यहाँ से भी आप अपना व्यू एंजॉय कर सकते हो और आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन भी मिलता है। यह है आपका पाउडर रूम और यहाँ पे है कॉमन वॉशरूम। और यहाँ से आगे बढ़ते ही आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है अटैच्ड वॉशरूम के साथ में। ये आपका अटैच्ड वॉशरूम है
ये भी फुल्ली फर्निश्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो कंसील्ड वार्डरोब वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे। और इसी के साथ आपको ये बालकनी मिलती है जहाँ पे आपको 360 डिग्रीज का व्यू मिलता है। क्योंकि ये प्रीमियम कॉर्नर फ्लैट है इसलिए आपको 3 बालकनीज मिलते हैं इन टोटल, बेडरूम में, किचन में और लिविंग एरिया में। अब अगर प्रोजेक्ट के एमिनिटीज की बात करें तो मेरे आप पीछे देख सकते हो पोडियम पे एक ओपन जिम बनाया गया है और चारों तरफ से ऐसे सिट आउट एरिया बनाया गया है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं जिम में। ये आप देख सकते हो इन हाउस फुल्ली कवर्ड जिम्नेशियम मिलता है आपको यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है सारी, ये ट्रेडमिल्स है आपको, ये साइकिलिंग मिलती है। और अगर हम देखेंगे तो इस साइड में ये डबल हाइट का आपको क्लब हाउस मिलता है, नीचे भी काफ़ी बड़ा ये मल्टीपर्पज़ हॉल है। यहाँ पे आप इस साइड में देखिए, आइए मेरे साथ, यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका पार्टी लॉन है, उसके बगल में है किड्स प्ले एरिया, सिंग आउट एरिया, हाईली सिक्योरिटी कैमराज यहाँ पे लगे हुए आप देख सकते हो, साथ ही साथ नीचे मंदिर भी है। चलिए मंदिर हम नीचे चल के देख लेते हैं एक बार। दोस्तों ऊपर से जो मैंने आपको मंदिर दिखाया था वो मेरे पीछे है, पूरी कवर पार्किंग मिलती है आपको यहाँ पे। फ्लैट की पार्किंग अगर आपको दिखाऊं तो ये कॉर्नर वाला जो स्पेस एरिया देख रहे हो ये आपके फ्लैट की पार्किंग एरिया है। जो ये रेड कलर की कार देख रहे हो आप, यही आपकी पार्किंग स्पेस है। अब हम आ चुके हैं क्लब हाउस के टेरेस पे। यहाँ मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको प्रोजेक्ट का एलिवेशन दिखा सकूँ। आप देख सकते हो एक लाइन से 4 टावर्स है, लास्ट टावर में आपका फ्लैट है। ऊपर से सेकेंड टॉप की जो बालकनी दिख रही है आपको, ये आपकी बालकनी है, आपके फ्लैट की बालकनी है। यहाँ पे 2 BHK फ्लैट का जो रेंट है आज के डेट में 30,000 से 35,000 का आपको यहाँ पे रेंट मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फ्लैट? काफ़ी बढ़िया लोकेशन पे ये फ्लैट लोकेटेड है। रेडी टू मूव फ्लैट्स मिलना आपको तो पता ही है, बहुत मुश्किल है मार्केट में। अगर ये फ्लैट का बजट आपके बजट से मैच हो रहा है तो एक बार कॉल करिए, थोड़ा बहुत निगोशिएशन का पार्ट इसमें है। इस फ्लैट को विजिट करने के लिए प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल करिए। और ऐसे ही प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, रियल इस्टेट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे वीडियोज़ जरूर देखते रहिए। मेरा नाम है आकाश, प्रॉपर्टीज इन पुणे के चैनल से। धन्यवाद।